हो आप लोग और आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो को हमने प्लेलिस्ट में डाला है जो कि है कोर प्लेलिस्ट, कोर इंटीरियर की। वो क्यों है कोर? क्योंकि आज की वीडियो में हम जाएंगे इंटीरियर की जड़ तक। अभी तक जो हम आपको दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे कि इंटीरियर फ्लैट में कैसा हो रहा है, रूम डिजाइन, मंदिर कैसा बन रहा है। लेकिन वो मंदिर, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कोरियन की ही बात करूं, तो वो मंदिर बनता कैसे है, आज हम उसकी जड़ तक जाएंगे। आज हम डिटेलिंग दिखाएंगे कि कोरियन पे 3D वर्क होता कैसे है, 3D या 2D, वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे आपको पता चलेगा कि फिनिश प्रोडक्ट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे और देखते भी रहते होंगे, लेकिन इससे पता चलेगा कि इसमें लगती कितनी मेहनत है और फिर जो रिजल्ट निकल के आता है वो कैसा आता है। तो आज की वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि एक मास्टरपीस भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो शुरू करने से पहले आपके नीचे जो बटन आ रहा है उसे जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन, ताकि ऐसे ही कोर इंटीरियर एज वेल एज फिनिश इंटीरियर वीडियो आपको मिलती रहे। ये अपना राउटर है जिसका नाम है कंपनी का एग्जिटेक, और ये एक बारी में आपका करीब करीब 8x4 का साइज़ निकाल देता है, 8x4 का साइज़ निकाल देता है। और इसमें अपना वुडन CNC हो जाता है, कोरियन CNC हो जाता है 6mm और 12mm। ये इसका राउटर है, पेन है जो बेसिकली कटिंग करेगा, ये देखो आप। और ये इसका कंट्रोलर है, ये आपका इसका कंट्रोलर हो गया, सो कंट्रोल करने के लिए। ये वाला डिज़ाइन जो आप देख रहे हो 30 इंची बाय 25 इंची का, ये डिज़ाइन हम 3D में करवाने वाले हैं। ये लीव्स जो आप देख रहे हो वो डिज़ाइन होने वाला है, और लाइट जलने के बाद जो एक्चुअल पीस में लुक आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये वाला डिज़ाइन हम 3D में कराएंगे। तो ये हमारा 3D का पीस है जो मैंने आपको दिखाया था 25 बाय 30 इंची का, और इस पे लीव कटिंग डिज़ाइन होने वाला है। तो अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। We'll be right back.
3D करा था, आपको दिखाया पूरा, और इसकी डिटेलिंग आप देख रहे हो, वेन्स वगैरह सारी बीच वाली, और ये सारी आप देख सकते हो कितने डिटेलिंग में है, और यही 3D की खासियत है। और मैं आपको लाइट के साथ भी दिखाऊंगा अभी। तो ये पीस है हमारा, और ये 6mm में हो रखा है। आप थिकनेस देखो, यहाँ पे 6mm थिकनेस में कराया हुआ है, क्योंकि जहाँ एप्लीकेशन है इसकी वहाँ 6mm में ही ये लगेगा, और वैसे 12mm भी लगता है। तो अब मैं इसको लाइट के साथ दिखाता हूँ आपको। लाइट के साथ इम्पैक्ट मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। ये लाइट के साथ इसका इम्पैक्ट रहेगा, जितना भी पीस 3D हुआ है वो चमक रहा है, बाकी पीस में आप देख सकते हो कि ब्लाइंड स्पॉट है, कुछ नहीं दिख रहा है, और यही इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और जब इसके पीछे मॉड्यूल लाइट लग जाएगी तब ये और ज़्यादा इम्पैक्ट देगा अपना। आप देख सकते हो ये हमारा फ्रेम है जिसमें हम मिरर लगा सकते हैं, इस पे कार्विंग हो रखी है बहुत खूबसूरत, और ये वाला हमारा स्क्वायर फ्रेम है जिसको आप इसमें भी फर्दर देखोगे कितनी अच्छी कार्विंग हो रखी है। और ये कुछ मंदिर के पीसीज हैं जो पिलर बनेगा जिसका, और ये कुछ मंदिर का बैकग्राउंड है। तो ये सब चीज़ें आप करा सकते हो कोरियन में 2D 3D। एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो 3D हो रखा है ये बहुत ही स्पेशल 3D है। पहले आप इसे नॉर्मल देखो, जो ये पेन हो गया, ये बटन्स हो गए, ये कॉलर हो गए, और आप देख रहे हो कि ये भगत सिंह जी की एक पोर्ट्रेट है जिसे आप अभी ऐसा देख रहे हो, तो ये आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब जो आप इसको देखने वाले हो उसके साथ आपका व्यू ही चेंज हो जाएगा। अब हम इसकी लाइट जला के आपको एक बार दिखाते हैं। तो ये देखो, इसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान आ गई है, और डिटेलिंग आप देखोगे ना तो आप कहोगे कि ये सचमुच की पोर्ट्रेट लगा रखी है हमने। ये देखो, एक एक मुस्टैश का डिटेलिंग, आंखों का डिटेलिंग, आप होठों का डिटेलिंग देख सकते हो, और सबसे कमाल की बात है ये शर्ट हो गया आपका, बटन्स का डिटेलिंग मैं आपको दिखाता हूँ, एंड मोर ओवर इसके बाद आप देखोगे तो ये देखो पैन का डिटेलिंग कितना बेहतरीन आ रहा है ये डिटेलिंग। ये खासकर बहुत टाइम देके 3D डिज़ाइन किया गया है, और इसमें काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है, और उतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, बिल्कुल कामयाब हो गया। तो ये जो फोटो है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, और जो वो पीस आपको दिखाया था मैंने वो भी बताइएगा कैसा लगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसा ही वीडियो मैं हर बार लाता हूं आपके लिए, और अभी भी लाया हूं और आगे भी लाऊंगा। तो ऐसे प्यार हमें देते रहिएगा जैसे आप देते हैं सब्सक्रिप्शन में भी, लाइक में भी, और शेयर में भी। तो ये वीडियो कैसा लगा ये तो आपको बताना ही है, साथ में ये बताना है कि इस वीडियो में जो 3D आपको मैंने दिखाया था जो मेरे पीछे भी है, तो वो आपको कैसा लगा है वो जरूर मेंशन करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।